आज दादा जा रहा है पहली बार स्कूल क्लास 11 में। सीरज में जाओगे तुम? हाँ। कुछ ऐसा लुक है स्कूल जाने का। पहला दिन कैसा रहा तुम्हारा बताओ, कैसा माहौल था? सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज दादा जा रहा है पहली बार स्कूल क्लास 11 में। क्लास 11 में इसका पहला दिन है, इसने अपने कपड़े पहने क्लास 11 के। अभी बस आज की 8 बजे। अभी कितना बज रहा है गाइस? अभी 6:30 बज गए हैं। 6:40 अभी जा रहा है पहले सीरजिम में थेरेपी लेगा, उसके बाद जाएगा स्कूल। पहले सीरज में जाओगे तुम? हाँ। उसके बाद जाओगे स्कूल? हाँ। अच्छा गाइस, का कुछ ऐसा लुक है स्कूल जाने का। आओ जरा खड़े हो सामने गाइस, कुछ ऐसा लुक है इसका, ऐसा कुछ ऐसा। गाइस अब दादा के टाइम आ गया है सीरेजिम जाने का। अभी 7 बज गया है, दादा सीरेजिम जा रहा है और मम्मी दादा के बस वाले को फोन कर रही है, जो बस वाले भैया हैं, तो उनको बोल कह रहे हैं कि आ जाना आज, क्योंकि दादा पहले जाता नहीं था, ये आज जा रहा है खाली। गाइस अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ और जब दादा सीरेजिम चला गया था उसके बाद मैं स्कूल चला गया था, फिर सीरेजिम से आने के बाद स्कूल चला गया तो मैं इसका ब्लॉग नहीं बना पाया। पहला दिन कैसा रहा तुम्हारा बताओ? बहुत बढ़िया रहा। और कैसा वहाँ पे, कैसा माहौल था? 3 बजे छुट्टी होती है, एप्लीकेशन लिख के पैर की दिक्कत बता के 1 बजे छुट्टी लेके चले आए। गाइस अभी यहाँ पे बाहर एक बंदर आया था और वो अपना पपीता लेके चला गया, मम्मी ने देखा उसको। और कृष्णा तुम, ये तो बहुत डर ही गया था गाइस, बताओ कहाँ पे आया था कृष्णा? गाइस मम्मी ने से गेट खोल के देखा, यहाँ से बंदर आया था, यहाँ पे पपीता रखा था, एक पपीता लेके चला गया। गाइस जब वो पपीता लेके चला गया उसके बाद वो एक और आया था, उसके बाद मैंने उसको भगाया। यहाँ ये डिब्बे के अंदर बिस्कुट रखे थे, उसको खोल रहा था वो। मम्मी बंदर कैसे आया था बताओ? ऊपर जीने से आ गया, तीनों पपीते खींच लाया है। कहाँ पे रखे हैं? जाल पे खींच लाया था, एक में दांत मार दिया और लैट्रिन बाथरूम या जीने पकड़ गया। हाँ मम्मी वो अंदर भी घुस जाता है, उठाए लैट्रिन। गाइस यहाँ से बार बार झाक रहा है, यहाँ से झाक रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आ जा रहा है बार बार। गाइस बंदर ने आज परेशान करके रख दिया क्योंकि बारिश भी हुई ना इसलिए। और गाइस जब बंदर आया था तब दादा सो रहा था, अभी यहाँ पे दादा जग गया। कैसे रहा बताओ, बंदर देखा तुमने? नहीं। गाइस यहाँ पे बंदर आया था, ये जग गया था तब, देखा है तुमने? चिल्लाने की वजह रही थी। गाइस अभी ट्यूशन का टाइम हो गया तो मैं और दादा जा रहे हैं ट्यूशन के लिए, और कृष्णा भी जा रहे हैं। तुम जाओगे ट्यूशन? गाइस मना कर रहे हैं ट्यूशन जाने से, क्यों नहीं जाओगे? दर्द कर रहा था, पैर सूज गए, नहीं जाओगे? नहीं। गाइस अभी मैं और कृष्णा ट्यूशन से आ चुके हैं और आज ट्यूशन में एक बच्चे का बर्थडे था, तो जितने ही बच्चे वहाँ पे आए थे सबको समोसा दिया था, दादा तो गया नहीं था, तो मैम ने कहा दादा नहीं आया, उसको समोसा नहीं मिला, तो अभी दादा को बताते हैं, तुम जाते तुमको समोसा मिल जाता। गाइस एक ट्यूशन का रिवाज है, जिस भी बच्चे का बर्थडे होता है उसको समोसे खिलाने ही पड़ते हैं सबको। गाइस ने भी एक समोसा खाया, कैसा था समोसा? अच्छा था। गाइस अभी दादा सो रहा है तो उसको बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे छोला और रोटी खा लेते हैं। मम्मी ने छोला बनाया है गाइस, ये छोला खिले खिले मस्त। चावल का मम्मी? गाइस ये रहे अपने चावल चिपके हुए। गाइस अभी खाना फिनिश हो गया है और एक दुखी खबर मुझे पता चली, अभी मम्मी ने बताया। गाइस जो बाहर काम चल रहा था, जो मतलब तीनों छत के बीच में गड्ढा था, मतलब बाउंड्री बनी थी उसकी, तो उसी के ऊपर पन्नी चढ़ी थी, तो अभी आपको दिखा के लाते हैं वो। गाइस ये देखिए, ये जो चीज है गाइस, यहाँ पे अभी अपना घर बन रहा है। और गाइस ये देखिए, यहाँ पे जितनी पन्नी थी गाइस, मतलब इतना हिस्सा यहाँ पे टूट गया है, इतने हिस्से में यहाँ पे कुछ बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मोहित चाचा ने पन्नी चढ़ाती थी ताकि बारिश हो रही तो बारिश का पानी नीचे नहीं गिरता। गाइस आगे की स्टोरी आपको मम्मी बताएंगी, स्टेला के साथ गाइस बहुत बुरा हुआ है, स्टेला आगे की कहानी आपको मम्मी बताएंगी। तो मम्मी कैसे क्या हुआ स्टेला के साथ यहाँ पे? टहल रहा था, घूम रहा था, पन्नी पूरी पड़ी थी, हाँ। पता नहीं था कि यहाँ पे पन्नी जो है अलग से पड़ी है, वो इसी ऊपर चला गया और पन्नी सही नीचे घुस गिर गया, ईंट पड़ी थी। गाइस स्टाला यहाँ से गिर गया पूरा, ईंट के ऊपर गिरा जाए कुछ। अरे यार स्टेला कहाँ पे है अभी? उधर देखो बैठा है गली में, ले गए थे मोहित डॉक्टर के। गाइस देखते हैं स्टेला नीचे है कि नहीं। गाइस वैसे इसलिए वहाँ पे बेहतर रहता है लेकिन अभी है ही नहीं। गाइस जब हम लोग ट्यूशन गए थे तब इसलिए यहाँ पे छत पे आया, आधे में पन्नी पड़ी थी, उसको पता नहीं था कि जब पन्नी है, इसको लगा था इसके नीचे भी वो छत दीवारी बनी होगी, वो इसके ऊपर गया और गिर गया। गाइस जितने में इसलिए गिरा था उसकी पन्नी अभी भी हटी है, और मोहित चाचा ने तो देख लिया और वो उसको अस्पताल ले गए, जानवरों के अस्पताल। गाइस बहुत बुरा हुआ उसके साथ, ऑटो में ले गए उसको, अब क्या कर सकते हैं, जब आएगा तब आपको दिखाएंगे। गाइस यहाँ से स्टेला गिरा, यहाँ पे जो पन्नी ऐसे रखी थी इसके ऊपर जो पत्थर रखा था गाइस, अच्छा वो पत्थर नहीं गिरा, पत्थर गिरता तो स्टेला के ऊपर ही गिर जाता है डायरेक्ट, यहाँ गिरा गाइस वो आपको कोने पत्थर दिख रहे हैं, इनके ऊपर गिर गया वो, बहुत चोट आई उसको। गाइस छोटे बाबा है, अब उनसे पूछने चलते हैं कि स्टेला आया है कि कब आएगा वो। बाबा बाबा खोलिए गेट।
बाबा वो जो स्टाइला था वो वहाँ से गिर गया क्या? हाँ गया दवा लेने। अभी वो दवा लेने गया है ना, कब तक आएगा वो? आएगा थोड़ी देर में आएगा। अच्छा गैस बाबा ने बताया है वो भी थोड़ी देर में आएगा, अभी वो दवा लेने गया है। दादी एक दुखी खबर मुझे पता चली, आपको पता चली स्टेला के साथ क्या हुआ? गिर गया। आपको पता चला स्टेला गिर गया ऊपर वाली छत से? नीचे वो जो पन्नी पड़ी है क्या, से नीचे गिर गया, ईंटों नीचे पड़ी थी, ईंटों के ऊपर गिर गया। ले गए अस्पताल ले गए हैं अभी। दादा की जगह शक्ल देखे गए से होगी, पूरा चौक गया। गाइस अभी रात के 10 बज चुके हैं, स्टेला तो अभी आया नहीं। स्टेला से अब रात के 11-12 बज जाएगा, फिर वो कल आएगा तो आपको स्टेला से कल मिला देंगे। सो अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आप ब्लॉग पसंद आए होगा, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।